दिस इज रवि सिंह एंड यू वॉचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल द ट्रेवल सोल्जर्स। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि चैनल का नाम ट्रेवल सोल्जर्स मैंने क्यों रखा है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे लोग जो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, फिर उन्हें जैसे ही समय मिलता है कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, तो वैसे लोगों को हम ट्रेवल सोल्जर्स कहते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ और मेरे साथ है मेरे बॉस, मेरे सीनियर, मेरे सुपीरियर, माय बॉस जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, और वो भी एक ट्रेवल सोल्जर है क्योंकि उनमें भी जैसे ही समय मिलता है वो भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल चले जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल के ऐसे जगह में, कोलकाता शहर के आपका प्लानट में, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें आपको चीप प्राइस पे मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और बहुत ही काफ़ी अच्छा प्लेस है, तो प्लीज़ की पसंद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, मैंने ओला बुक कर लिया ऑलरेडी और हम लोग वेट कर रहे हैं ओला के लिए। चलिए चलिए हमारा ओला आ गया है। बारिश आएगा, रेल क्या है, घर जाना है। तो चलिए मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। हम लोग प्लैनेट पहुँच गए हैं और सर कितना टाइम हुआ? 6 बजे, 6 बजे और प्लैनेट पहुँच गए हैं और मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, शायद मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी ना हो सके, फिर भी मैं आपको मार्केट घुमाने का कोशिश करता हूँ। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ द कोलकाता। ये इस जगह का नाम एस्प्लैनेड है दोस्तों, और ये मार्केट बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय के का बसाया हुआ ये मार्केट है। दोस्तों आप लोग को ये देखने में हो सकता है एक नॉर्मल सा फुटपाथ पे लगाया हुआ स्टॉल लगे, पर आपको मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टाइलिश और काफ़ी कम प्राइस में मिल सकती हैं। और ये आपको जो दुकानें दिखती हैं सबको, ये ऐसे वैसे इन लोगों को नहीं मिला, इसके लिए उन्हें सालों के लिए न जाने कितनी सलामी भरनी पड़ती है और बहुत ही कठिनाई से इनको ये फुटपाथ पर ये मिलता है। और ये महीने में एटलीस्ट आराम से नहीं तो एक से 2 लाख रुपये यहाँ से कमाते हैं। और ये देखने से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत पुराने समय का मार्केट है। ये उस समय का मार्केट है जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रहते थे और अपने सुख सुविधा के आधार पर इन्होंने इसी मार्केट को बसाया हुआ था। ठीक है, आप धीरे धीरे रास्ते में धीरे धीरे मैं मार्केट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे करके मार्केट देखिए। और आपको सोचिए बारिश का मौसम है फिर भी इस मार्केट जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। इस मार्केट की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे शाम को न जाने कितनी भीड़ उमड़ पड़ती है। कोलकाता
Kolkata, Kolkata, don't worry, Kolkata. Amra tomari Kolkata. Shahore rani ko amra tomari. Halki halki barish bhi ho rahi hai. और फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है और भीड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी हम न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं। न्यू मार्केट आपका एक अंडरग्राउंड में सेटअप किया हुआ मार्केट है और ये बहुत ही पुराना मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे बड़े स्टॉल दिखाई देंगे, तो मैं आपको ले कर वहाँ पर ले कर चलता हूँ। आप धीरे धीरे आप देखते रहिए। देखिए, आपको दोनों तरफ दुकान ही दुकानें नज़र आएंगी और काफ़ी स्टाइलिश चीज़ें हैं। और अगर इनका रेट देखा जाए तो काफ़ी किफ़ायती रेट में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। फाइनली बहुत सारा मार्केट हम लोगों ने यहाँ पे घूम चुके हैं ऑलरेडी और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेरे घर की तरफ। हावड़ा मार्केट हम लोगों ने काफ़ी अच्छा देखा, आपको दिखाई दे दिया। चलिए सर, आपकी तलाश पूरी हुई, बहुत देर से खोज रहे थे इसमें। तो बारिश के मौसम में खाने का मज़ा ही अलग है इसका। क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत फेवरेट है और सर का तो मेरे और भी एकदम फेवरेट है। सर कैसा लग रहा है आपको बारिश के मौसम में, उसके साथ आपको पकौड़ी? कैसे बन रही पहले यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कई बार आ चुके हैं। सबसे बढ़िया है इस जगह का ये पकौड़ी जो कि हम अभी खा रहे हैं। पास ही में है आपका निज़ाम, उसके बगल में है आपका पैरिस बार जो कि काफ़ी पुराना। अगर आपको मदिरा पान करना है, साथ में नृत्य का लुत्फ उठाना है, तो आप खाइएगा पैरिस बार। उसके बगल में ही ये टेक जो बरसों पुराना है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं हर रोज। अच्छा सर, यहाँ पे बारिश होने के बाद एक अलग ही अच्छा इन्वायरमेंट बन गया है ना चारों तरफ से। फिर मार्केट का भीड़ कम नहीं हुआ सर, फिर भी उसके मुकाबले देख लीजिएगा। लोग यहाँ बारिश के लुत्फ उठाने आते हैं, तरह तरह की खान पान करने आते हैं। क्या करें, रास्ते का आदमी है तो रास्ते से पिटवाना पड़ेगा। चलो समझिए, ये अमीनिया रेस्टोरेंट है, यहाँ का बहुत पुराना रेस्टोरेंट। और सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पूरा लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, देख लेता हूँ। सर बढ़िया चल रहा है, कैसा लगा सर, कुछ यादें ताज़ा हुई आपकी? क्योंकि यहाँ पे तो आप काफ़ी बार आ चुके हैं और बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो यहाँ खाने का मज़ा ही कुछ है। अच्छा, क्या लिए हैं सर आप? ये तंदूरी हो गया आपका चिकन चाप। सर का पेट पूजा हो गया अनिमिया में। यहाँ आए तो अनिमिया नहीं खाया तो क्या किया। और बारिश भी हल्का हल्का बंद हो चुका है, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा खाली भी हो रहा है, तो चलिए धीरे धीरे घर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, मुझे ताजी बोले, एक छोटा सा दुकान यहाँ पे है और उनका कहना है कि यहाँ पे मोहम्मद रफी साहब आ चुके हैं, दिलीप कुमार साहब आ चुके हैं। और तो सर, 35 वर्ष का बात है, 30-35 साल पुराने पहले। और दुकान सर कितना पुराना अपना? ये 80 वर्ष का। देख रहे, दिलीप हो रहा है एक छोटा पे, रफी कुमार साहब, दिलीप कुमार, कितने बड़े बड़े एक्टर और पुराना नायक लोग आ चुके हैं। मतलब दिलीप भी ऐसा छोटा सा, इतना बड़ा बड़ा लीजेंड लोग आ चुके हैं। आपको पता है कि कोलकाता को सब सिटी ऑफ ब्लैक ही कहते हैं। ये मेरे को बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे जब रहेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तो शायद आपको समझ जाए कि यहाँ इसे सिटी ऑफ ब्लैक ही होता है रियली। आप पहले जब मैं नाम सुनता था यहाँ पे कि कोलकाता को सिटी ऑफ ब्लैक बोलता, मुझे शायद समझ में नहीं आता था ये सारी चीज़ें। जब मैं तीन सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मुझे आस्ते आस्ते धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लोग यहाँ पे कैसे लाइफ जी रहे हैं। मतलब यहाँ पे हर समय मस्ती, धूम धड़ाका, कोई भी फेस्टिवल आ जाने से मस्ती। एक सौ में 100 बोले, 100 बोले, लोगों के अंदर में एक क्या चीज़ है कि हर समय दो इन लोगों का अंदर।
मैंने तो चिकन दबा लिया है क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है। चिकन मिल लिया मैंने। एक वेजिटेरियन बंदा मुझे तो सोचना पड़ता है कहाँ पे क्या खाऊँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल पे है यहाँ पे चिकन मटन बिरयानी यही सब ज़्यादा चलता है। ठीक है, इंजॉय कर लेता हूँ यही, उसी से पेट भर लेते हैं। मेट्रो में ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि घर जाने के लिए हमें मेट्रो यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि ओला उबर पर ट्रैवलिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ मिल ही नहीं रहा है ओला उबर। रविंद्र सदन जाने के लिए हम लोग देख सकते हैं ये कोलकाता का मेट्रो स्टेशन है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम कोलकाता में ही मेट्रो लॉन्च हुआ है और उसके बाद ही दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बना और हर जगह अभी तो हर स्टेट में जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ पे तो मेट्रो के लिए अभी हर जगह प्रोग्राम चल ही रहा है। फर्स्ट जो मेट्रो लॉन्च हुआ था वेस्ट बंगाल में ही था। फाइनली हम लोग रविंद्र सदन पहुँच गए। चलो 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 चलो, यहाँ से हम लोग एक्साइट पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे हल्दीराम है मेरा जो बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मैं जब भी इस तरफ आता हूँ तो हल्दीराम में एक बार जरूर जाता हूँ। अभी तो यार पेट पूरा फुल हो गया, फिर भी सोच रहा हूँ हल्दीराम में जाके कुछ थोड़ा बहुत खा ही लूँ। मैं आपको हल्दीराम भी घुमा देता हूँ। अभी घर के तरफ ही रुक गया हूँ। फाइनली मैं हल्दीराम में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे आने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत सारा चीज़ खाने की इच्छा होती है, बट पेट तो थोड़ा मेरा छोटा ही है तो कुछ लिख के खाने का होगा और उससे ऑलरेडी सर कुछ खाने का इच्छा है आपका? नहीं खाने का इच्छा नहीं। वेट नहीं कर पा रहा हूँ, बंदे ने बोला 5 मिनट वेट करने के लिए, एक मिनट वेट नहीं कर पा रहा। छोला दाल कचौड़ी बोला ना, मैं जब भी इस तरफ आता हूँ तो हल्दीराम एक बार आना ही आना है फिर से, खा के बताता हूँ टेस्ट यहाँ पे कैसा है। और अगर आप भी कभी इस तरफ आइए एक साइड की तरफ तो हल्दीराम का ये छोला कचौड़ी जरूर खा देगा। रियली यार वेरी फैंटास्टिक, वेरी टेस्टी, अगर आप इस तरफ आए तो जरूर खा के जाइएगा। आते नाम के एंड इफ यू एंजॉयड इट प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू। कभी अलविदा ना कहना, कभी अल...